मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 31st और साल का ये आखिरी दिन है, तो हम इनको अच्छे से विदा करें। बहुत सारी अच्छी यादें, बहुत सारी बुरी यादें भी है, कोविड को लेकर भी है कुछ, बहुत सारे जगह पे कोविड को लेकर बुरी यादें भी है। मेरे साथ भी कोविड हुआ, उसका भी मुझे बहुत उस समय परेशान थी मैं। लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो अभी तक तो अंत भला लग रहा है मुझे। तो इसको अच्छे से बाय करते हैं और वेलकम के लिए रेडी होते हैं, और होप करती हूँ कि ये नया साल आपके लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत ही अच्छा जाए, और हमें जो ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है कोविड, वो निकल जाए जितना जल्दी हो सके, इस दुनिया से चले जाए। बस आप प्रिकॉशन लीजिए, न्यू ईयर मनाइए ज़रूर, बट लेकिन घर में रह के कोशिश करिए मनाना। और मैं भी अभी घर पे ही कुछ डिसाइड नहीं की हूँ कि क्या करना है, लेकिन हाँ घर पे ही रहना है। तो ऐसे भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा कोविड है, आपने सुना ही होगा न्यूज़ में। तो हमारा यही है कि अभी हमें कहीं नहीं जाना है। क्या बना रही हूँ और कैसा बीता मेरा आज 31st, तो कंटिन्यू करते रहिएगा वीडियो पे। और प्लीज़ गाइस, अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो देखते हैं। यहाँ एक बॉईल करने को रख दिया है, मैं बिरयानी की तैयारी में लग गई हूँ। हाँ, आज मैं बिरयानी और दही वाले रायते की तैयारी कर रही हूँ लंच के लिए, लेकिन बिरयानी में टाइम लगता है और इनको ऑफिस जल्दी जाना होता है। तो यहाँ पे ये प्याज वाली पराठे जो बहुत ही इजीली बन जाती है, और सालिनी भी आ गई थी तो जल्दी जल्दी उसने ये आटे को गूंध दिया। ये पराठे दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें आप प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, अजवाइन, कलौंजी डाल के, नमक डाल के अच्छे से गूंध ले और इनको सर्व करें, और बहुत ही टेस्टी लगती है नाश्ते में वो। तो इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, आप तेल के जगह घी भी डाल सकते हैं। और ये जो मैंने एक बॉईल करके रखा था, उसको ये हल्दी और नमक में थोड़ा सा मैश करके मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई नहीं करेंगे, फ्राई कर लेंगे। और यहाँ मैंने कुछ प्याज के टुकड़ों को इनके साथ फ्राई कर लिया। हालांकि आप अलग भी कर सकते हैं फ्राई, लेकिन चूंकि मुझे जल्दी थी, ऑलरेडी लेट हो चुकी थी मैं, तो मुझे दोनों को मैं एक साथ ही फ्राई कर ली हूँ। और जब तक ये फ्राई होता है, मैंने इधर दही को फेंट के रख लिया। बिरयानी में दही ज़रूर फेंट के डालें। कुछ ऐसा होता है ना कि हम दही लाएं और डाल दिए बिरयानी में, तो दही फट सा जाता है। तो पहले से अच्छे से फेंट कर रखें, और गैस कम करके जब भी दही डालें तो गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए, स्लो मीन्स बिल्कुल कम। और यहाँ मेरे जो यहाँ जो अंडे थे और प्याज को बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक हमें तलना है, और जो बचा हुआ तेल है अब मैं उसमें सारे प्याज, मैं झटपट वाली बिल्कुल आपसे बिरयानी शेयर कर रही हूँ जो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है और बिल्कुल झटपट सी बनती है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो इसमें मैंने कुछ बोनलेस पीसेस डाले, मुझे और गुन्नू को ही खाना था तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे पीसेस डाले। और अब हम इसमें जो जनरल मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। यहाँ मैं गरम मसाला स्किप की हूँ, क्योंकि मैं इसमें चिकन बिरयानी मसाला जो आता है एवरेस्ट का, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो उसका मसाला फिर गरम मसाला दोनों मिलके बहुत ही तीखा हो जाता है। और मैं लहसुन डालना और लहसुन अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैं अब इनको डाल के थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि लहसुन का जो स्मोक है वो ख़त्म हो जाए, अच्छे से पक जाए। तो मेरा चिकन पक गया था, तो अब मैं इसमें दही को, जो फेटी हुई दही थी, उनको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी, और बस इनको कुछ देर धीमी आंच पे मैं इनको भून लूँगी। तो यहाँ पे चिकन ने पूरी तरह से, उसने पानी आ गया है चिकन में, तो अब मैं इसमें एवरेस्ट का चिकन बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। और सिंपल सा जो मैंने चावल को पहले से ही बॉईल करके रखा था, जब भी आप चावल बॉईल करें तो उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल ले और चावल हाफ बॉईल करें। इस तरीके से खिला खिला बिरयानी आपका बनेगा फिर, और चावल बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और इसको फैलाने का आप देख रहे हैं तरीका मैं कैसे कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं 1.5 को
और जो फ्राई ऑनियन थे उनको भी सबको एक साथ में इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़े थोड़े चावल फिर से उनको कवर अप कर रही हूँ और इस तरीके से इनको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए कुछ ऐसा सेट करना है और इनको ढककर 15 मिनट तक धीमी आंच में पकाना है। और ये देखिए कितना अच्छा खिला हुआ चावल बन गया हमारा, बहुत ही टेस्टी बना था। आप झटपट से बनाना बिरयानी तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और ये रहा मेरा दही वाला रायता, और जो बिरयानी के साथ बहुत अच्छा जाता है, कोई भी बिरयानी के साथ, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, कोई भी बिरयानी के साथ। और देखिए फ्रेंड्स इतने झटपट तरीके से बना है, बट बिल्कुल पोटलो वाला बिरयानी का कलर आ रहा है। तो अगर आपको भी जल्दी में कुछ ऐसे बनाना हो तो आप बना सकते हैं और बिल्कुल बिरयानी इंजॉय कर सकती हूँ। मैं आपको चिकन दिखाती हूँ कि चिकन इसकी कैसे अंदर तक पक गई है। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये डिश। तो मेरी बिरयानी लंच कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज मैंने अर्बन क्लैब से और यहाँ मैंने लंच कंप्लीट हो गई थी मेरी, तो अब मैं अर्बन क्लैब को यहाँ पे बुलाई हूँ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा खुद को पैम्पर करना भी ज़रूरी है, और ये लोग काफ़ी हाइजीनिक तरीके से घर पे सब कुछ करते हैं, सामने सैनिटाइज वगैरह करके, तो मुझे अच्छा लगता है इनका सर्विस। थोड़ा कॉस्टली होता है बट अच्छा होता है, घर में होता है तो सही है। और मैं फेशियल वगैरह सब ले चुकी थी, मैंने पूरा पैकेज लिया था, तो अब मेरी वैक्स जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हम तो इस पैंडेमिक जो अभी आया है उसका कुछ कर नहीं सकते, बट बहुत टाइम हो गया था मुझे पार्लर सेशन किए, तो मैंने सोचा कि चलो फिर आगे के इस बड़े से अच्छा है कि मैं अभी ले लूँ। तो फ्रेंड मेरा कंप्लीट होने को है सेशन, और आसाम हो गई थी मुझे नहाने में, क्योंकि ऑब्वियस है पार्लर जो आई थी पार्लर से वो अभी गई हैं, तो शावर तो लेना ही था। और अब मैं चलती हूँ गुन्नू के स्नैक्स की तैयारी करने। तो आज फुल डे उनका सबका नॉनवेज प्लान है मील में, तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकौड़े स्नैक्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। बोनलेस चिकन को पहले से मैरिनेट होने के लिए लगभग 2 घंटे पहले छोड़ दिए थे। इसमें नमक हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने मिक्स करके रख दिया था, जिससे ये काफ़ी अच्छे से अंदर से मिक्स हो जाए। चिकन में आप कुछ देर पहले आप मैरिनेट करके रखेंगे तो उसकी उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आएगा, आप ज़रूर से देखना। और यहाँ मैं 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इधर साइड में 2 चम्मच बड़े चम्मच कॉर्न पाउडर, और इधर साइड में सालिनी का चल रहा है प्याज कटिंग। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस कलर के लिए, और बस ये सभी को मैं अच्छे से हैंड से मिक्स करके अब इनको डीप फ्राई कर लूँगी। मैंने इनको एक्चुअली डीप फ्राई नहीं किया है, क्योंकि सुबह भी बिरयानी में थोड़ा ऑयली हो गया था, तो मैंने जस्ट इनको सेमी फ्राई किया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे बने थे। देखो कलर वाइज भी कितना अच्छा आया है। तो देखा ना आपने, शाम होते होते घर की हर किसी की हालत ऐसी हो जाती होगी, मेरे ख्याल से मेरा तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है आज। गुन्नू ने कुछ ज़्यादा ही रायता फैला रखा है। आज उसका फ्रेंड आया और तो वो खेलने को निकल गया है, और अभी भी ऐसे भी एकेडमी में वो जा नहीं रहा है, तो नीचे ही हमारे पार्किंग एरिया में जो काफ़ी जगह है जहाँ बच्चे जाके अभी खेल रहे, तो वहीं पर वो गया है, और खेलने के आगे तो बच्चे कुछ नहीं सुनते, तो वो निकल गया है। तो अब मैं झटपट से रूम ठीक करूँगी, मेरा स्नैक्स बन चुका था, और मैंने अभी बज रहे हैं 6:30, तो मैं अब ग्रेवी वाली चिकन की भी मैंने रेडी कर ली है सब कुछ, और मैं बस उनको पकाऊंगी और मैं जाऊंगी, मैं भी वॉक के लिए जाऊंगी और नीचे अपने फ्रेंड लोग से थोड़ी गॉसिप भी करूंगी, क्योंकि वो भी ज़रूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए क्योंकि फिर कोविड आने वाला है और पता नहीं क्या होगा, फिर हम सब घर में पैक होंगे
और वीडियो कॉल के थ्रू या ऐसे ही बस बात कर पाएंगे, तो देखते हैं कब तक नीचे मिलना मिलाना होता है, आप भी देखिए। और फ्रेंड्स मेरा, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी कोविड का केस यहाँ बहुत है और बहुत डर भी लग रहा है ना, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस मेरा इतना ख़राब था, इतना ख़राब था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जिनको मैं बिल्कुल नज़दीक से जानती थी और जो 2 दिन पहले तक मेरे साथ हंस बोल रहे थे, उनके साथ उनका चले जाना मैं बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन भगवान। चलिए मैं झटपट से सोफ़ा करती हूँ और फिर चिकन मैंने को मैं पकने को डाल के और फिर मैं जाती हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। ये देखो कैसी ये हालत हो गई है, अब मैं जल्दी जल्दी इनको ठीक करूँगी और मैं अभी इवनिंग को ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद किए होंगे, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।